साल था 1899, जगह अमेरिका का लॉस एंजलिस। हमारे स्वाभिमान विवेकानंद से एक अमेरिकन ने पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? उन्होंने उत्तर दिया, मैं अच्छा हूँ। अमेरिकन को लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए उन्होंने हिंदी में जवाब दिया, लेकिन उस अमेरिकन को टूटी फूटी हिंदी आती थी। तो अगला सवाल उसने हिंदी में पूछ लिया कि भारत से यहाँ आकर कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने उत्तर दिया, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज ब्यूटिफुल। अमेरिकी ने कहा, मैंने आपसे अंग्रेजी में पूछा तो आपने हिंदी में जवाब दिया, मैं हिंदी में पूछ रहा हूँ तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। स्वामी जी ने कहा कि जब तुमने अपनी मातृभाषा में प्रश्न किया, मैंने अपनी मातृभाषा में उत्तर दिया, और जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान करते हुए हिंदी में प्रश्न किया, तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान करते हुए अंग्रेजी में उत्तर दिया। 130 साल हो गए हैं इस बात को, लेकिन इस बात को समझने में हम आज तक असमर्थ हैं। आज के समय में भी अगर कोई व्यक्ति हमारे सामने हिंदी बोल दे तो हम उसे गवार समझते हैं, और हम ऐसा करके ना केवल उस व्यक्ति की बेइज्जती कर रहे हैं, बल्कि बाबा तुलसीदास, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा की भी बेइज्जती कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मालिक मोहम्मद जैसी, संत रविदास, श्री स्वामी नारायण, मंगल पांडे, अब्दुल हामिद, अशफाकुल्ला खान, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित रविशंकर, अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद तक की भी बेइज्जती कर रहे हैं। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 1 से 15 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। पखवाड़ा का अर्थ होता है महीना, यानी कि ये पूरा महीना हम हमारी मातृभाषा को समर्पित करते हैं। हिंदी दिवस को मनाने की जरूरत हमें इसलिए भी पड़ती है क्योंकि आधुनिकता के इस दौर में हम धीरे धीरे अपनी ही मातृभाषा को भूलते चले जा रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस पखवाड़े के महीने में हम आपको 15 सितंबर तक हिंदी के बारे में बताएंगे कि कैसे हिंदी का आज़ाद हुआ, इसके महान कवि कौन थे, महान लेखक कौन थे, और भी बहुत कुछ। और इस प्रोग्राम का नाम हमने दिया है हिंदी दिवस विशेष। और अगर आप भी हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा के बारे में जानना चाहते हैं तो जनहित टाइम्स के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।